जगह जाऊंगा भाजपा के खिलाफ, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में कफन बांध के उनके खिलाफ मैं ढोल बजा। ठीक, तब तक मैं कफन नहीं उतारूंगा जब तक एसपीओ का मसला हल हो जाएंगे, तब तक मैं कफन नहीं उतारूंगा जब तक जेंट के पुलिस वालों को 17,000 ऋषि का नोटिस मिल जाएगा, तब तक कफन हर जगह। ये सारे झूठे करे सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जब आपका चीफ मिनिस्टर, उनको एफआईआर लाज होना चाहिए, उनको कोर्ट में चक्की पीसना चाहिए, उनको क्यों पीएसओ छीना है? ये तो मेरे, मुझे लग रहा है ये भाजपा 2 है, ये गुंडा राज सरकार है, गुंडा राज। ये कौन बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी सरकार है, ये गुंडा राज सरकार है। शेर डरेगा ना, शेर झुकेगा ना, शेर बिकेगा ना, शेर का कोई नहीं मर रहा है। अगर उनका घर का कोई मर जाएगा उनको दर्द आएगा, यहाँ उनको दर्द नहीं है, मुझे दर्द है। भाई खेल रहे भाई जंगलात, उनका मसला हल हो जाएंगे। हर दिन किलिंग हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। चाहे हिंदू मर रहा है, सिख मर रहा है, या पंडित मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं। लोगों का कोई मर जाएगा उनको कदर आएंगे, क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या क्या हो रहा है, इनका कोई नहीं मर रहा है। ये मर रहा है तो जम्मू कश्मीर का मर रहा है। ऐसा काम करना है जैसे पूरी दुनिया याद करेंगे, ऐसा कारनामा मैं करूंगा, ये सरकार कुछ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। जिस दिन मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा उस टाइम आसमान भी रोएंगे, जमीन भी रोएंगे, चट्टान भी रोएंगे, बच्चे बच्चे ही रोएंगे। ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसा कौन सा कारनामा करने जा रहे हैं जनाब ये उस टाइम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे। अगर जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की बात करें तो मौजूदा हालात जो है वो बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम यूथ की बात करें, चाहे टारगेटेड किलिंग्स की बात करें। और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी और बब्बर शेर, इनसे बातचीत करते हैं। शफी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंक्वायरर टुडे में। शुक्रिया, थैंक यू। किस तरह से देखते हैं, भाजपा एक तरफ कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार हैं, जम्मू कश्मीर में अमन व शांति का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार वादी कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे ये लग रहा है बड़े अफसोस की बात है कि आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मुझे बताओ 8-10 साल ने उन भाजपा सरकार ने क्या सच बताया? सिर्फ झूठ बोला। कहाँ है हालात ठीक? हर दिन किलिंग हो रही है कि जम्मू कश्मीर में, इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। चाहे हिंदू मर रहा है, सिख मर रहा है, या पंडित मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। एक तरह तो 5 अगस्त 2019 से जितनी भी वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, सारे वादे तो आज तक फेल हो चुके हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा कर रहे हैं भाजपा सरकार। मुझे बताओ 5 अगस्त 2019 बोल रहे हैं कि हालात तो ठीक हो गया कश्मीर में, ये तो ये कौन कर रहा है फिर किलिंग? दिन ब दिन किलिंग हो रही है वहाँ कश्मीर में, चाहे पुलिस वाला मारा गया, पंडित मारा गया, या सिविलियन को मारा गया है। कहाँ आएगी वो उनकी ज़िंदगी, कहाँ आएगी वापस? अगर पूरी मुल्क की दौलत देंगे उनको, वापस उनकी ज़िंदगी वापस आएंगे? मैं रिया साहब के पुलिस वाले के घर में गया था, उसका 5 साल बेटा मेरा 1 घंटे गोद में बैठा, मुझे रोना आया उस टाइम जब मैंने उसका बेटा देखा है। वो किसको बताएंगे पापा? अगर इन नेता लोगों का कोई मर जाएगा उनको कदर आएंगे, क्या हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या क्या हो रहा है? इनका कोई नहीं मर रहा है, ये मर रहा है तो जम्मू कश्मीर का मर रहा है। क्या लगता है बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है लोगों को तसल्ली देने के लिए, ये सब झूठ कहा जा रहा है? जनाब मैंने बताया ना, आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाला है, मुझे बताओ अगर उन्होंने कहीं किसी जगह उन्होंने सच बताया, मुझे दिखाना कहाँ सच है। सिर्फ झूठ की फैक्ट्री है उनके पास, सिर्फ वोट बैंक के लिए। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग खबरदार हो चुके हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब खबरदार हो चुके हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं ये सियासत। बाकी लोगों का दिल नहीं जीता है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिल नहीं जीता है, जम्मू कश्मीर के पंडितों को दिल नहीं जीता है। जो वादे किया जब भाजपा सरकार ने सरकार तो हाथ में लिया है, उस टाइम वादा किया पंडितों के साथ हम बहुत फैसिलिटी देंगे, तो क्या तो दिया? जो दिया था कांग्रेस पार्टी ने दिया उनको, तो उसके बाद कुछ नहीं दिया।
आज भी कश्मीरी पंडितों की लगातार जो है किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, भाजपा उनके उन्हें जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। नहीं नहीं, पंडितों का चाहे मुसलमान है, पंडितों का सिख सिखों का है, हर किसी का किलिंग्स हो रहे हैं। यह तो सरकार का दोष है, सरकार ये नहीं सोच रहे कि ऐसे हालात सुधरेंगे बातचीत के जरिए। आपकी नज़र में क्या हल है ये टारगेटिंग का, टारगेटिंग जो किलिंग्स हो रही है इसका हल क्या है? जनाब मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा, बातचीत के जरिए प्यार मोहब्बत के जरिए मसला हल होता है। ऐसे हल बातचीत किससे की जाए वो सरकार को पता है किसके साथ करना है, जो ये करवा रहा है इधर गड़बड़ी कर रहा है। ये तो सरकार को पूछना चाहिए, सरकार किससे हालात ठीक करेंगे। जो सरकार हर दिन दावा कर रही है 56 सीने वाले सरकार, तो यहाँ तो हालात ठीक करेंगे, यहाँ तो नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। मेरे ख्याल से 30-40 साल पीछे लग रहा है हमारा कश्मीर। लेकिन मर तो एक आम आदमी रहा है ना, 56 वाली जो सरकार है वो तो नहीं मर रही, मर तो एक आम आदमी रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, उनका घर का कोई नहीं मर रहा है। अगर उनका घर का कोई मर जाएगा उनको दर्द आएगा। यहाँ उनको दर्द नहीं है, मुझे दर्द है। जब पंडित भाई हमारे को मारा गया या पुलिस वाले को, मैं पुलिस वाले के घर में गया था, उधर मुझे जाने दिया था, मगर पंडित के घर में मुझे जाने नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं देना उधर, ना उधर लेना है कुछ नहीं देना, मगर एक आपको, तो आपको क्यों नहीं तो, जाने दिया? एक तो दर्द बांटना है पंडित भाइयों के साथ, कि जो सदियों से हमारा भाईचारा था इसको कोशिश कर रहे जख्म पहुँचाने की। तो ये तो बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबर शेर ने एक कदम उठाया, इन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई मैंने इंशाल्लाह। और जो जम्मू कश्मीर का युवा, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जम्मू कश्मीर के केजुअल लेबर डिलीवेजर उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। यूथ तो आज भी सड़कों पर है, आप NYC एम्प्लाइज की बात करें, आप रहवरे खेल, रहवरे जंगलात, रहवरे जरात की बात करें, वो तो भाजपा ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। जनाब मुझे पता है, मुझे पता है, आपने देखा नहीं मैं हर दिन श्रीनगर में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आपको तो ज़्यादा देर वहाँ टिकने ही नहीं देते। जनाब जनाब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तब तक कफन नहीं उतारूंगा जब तक मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं का मसला हल हो जाएंगे। तब तक मैं कफन नहीं उतारूंगा जब तक केजुअल लेबर डिलीवेजरों का मसला हल हो जाएंगे। तब तक मैं कफन नहीं उतारूंगा जब तक हमारे क्या नाम है उसका NYC और रेबर खेल, रेबर जंगलात, उनका मसला हल हो जाएंगे। तब तक मैं कफन नहीं उतारूंगा जब तक SPO का मसला हल हो जाएंगे। तब तक मैं कफन नहीं उतारूंगा जब तक जेंट के पुलिस वालों को 17,000 सिक्योरिटी मिल जाएगा। तब तक कफन हर जगह जाऊंगा भाजपा के खिलाफ, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में कफन बांध के उनके खिलाफ मैं ढोल बजाऊंगा। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं 3 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए ये 5-6 डिमांडें पूरा करो, तभी हमारा जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएंगे। मेरे ख्याल से उससे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। कश्मीर में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वजह है, क्यों क्राइम रेट बढ़ रहा है? ये तो सरकार को बताना चाहिए। जो सरकार अभी सोई है, आज 6 लाख युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अगले साल 12 लाख हो जाएंगे, ये शर्म की बात है। नेता लोगों का कोई ड्रग्स नहीं कर रहा है, कर रहा है वो तो एक गरीब का लड़का कर रहा है। क्यों कर रहा है? जो माँ बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, PG करके, डिग्री करके, वो आज घर में बैठे हैं, वो टेंशन में है, आज तो वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। उनको रोजगार नहीं दिया, बाकी मुल्कों में रोजगार मिलता है, यहाँ से जेंट के स्टेट में फॉरिन मुल्कों में जाते हैं रोजगार के लिए। क्या इतना बड़ा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, क्या हमारे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलेगा? ये सारे झूठे करे सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आने वाले वक्त में। नहीं नहीं जनाब, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों को। हमारे जो भाजपा जी प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या लिया, साथ लिया कुछ? सुषमा स्वराज इस दुनिया से चली गई, उसने लिया कुछ? अरुण जेटली इस दुनिया से चले गए, तो उसने कुछ लिया? इन नेता लोगों का ये याद रखना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं लिया तो ये लोग क्या लेंगे? ये याद करना, इस दुनिया के पे कुछ ना कुछ करना है, ये दुनिया आखिर छोड़ना है। बिल्कुल ऐसा काम करना है जैसे पूरी दुनिया याद करेंगे, ऐसा कारनामा मैं करूँगा। ये सरकार कुछ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। जिस दिन मैं इस दुनिया से निकल जाऊँगा, उस टाइम आसमान भी रोएंगे, जमीन भी रोएंगे, चट्टान भी रोएंगे, बच्चे बच्चे ही रोएंगे। ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के लिए। ऐसा कौन सा कारनामा करने जा रहे हैं जनाब? ये उस टाइम पता चल जाएगा।
भाजपा कह रही है हम 50 के पार जाएंगे, जो जम्मू और कश्मीर के मौजूदा हालात हैं लगता है कि भाजपा 50 के पार जा पाए। आपको क्या लग रहा है जनाब, आप तो भी इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है 4 से पार नहीं हो जाएगी। क्या किया उन्होंने मुझे बताकर कुछ किया? 50 पार मैं बताऊंगा 90 पार हो जाएंगे, तो मुझे बताओ ना कहां क्या किया। कांग्रेस का क्या वजूद है अभी जम्मू और कश्मीर? कांग्रेस की मैं नहीं बात कर रहा हूं, कांग्रेस जीत जाएगा, पीडीपी जीत जाएगा, एनसी जीत जाएगा। मैं बहुत आपका ताल्लुक भी कांग्रेस से, आप कांग्रेस के साथ हूं। मैं कांग्रेस के साथ हूं, देखेंगे ऊपर वाला क्या करेंगे। उस टाइम आने दो, वक्त तो आने दो। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग खबरदार हो चुके हैं जनाब, उनको पता है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मिलकर काम करेंगे इस जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को बचाएंगे। पंजाब में भी कांग्रेस के एक नेता जो है उन्हें उनका कत्ल कर दिया गया है गुज़श्ता कल, किस तरह से? चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो तो कांग्रेस का है मगर इंसान तो है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर, उनको FIR लाज होना चाहिए, उनको कोर्ट में चक्की पीसना चाहिए, उनको क्यों PSO छीना है? ये तो मुझे लग रहा है ये भाजपा 2 है, ये गुंडा राज सरकार है, गुंडा राज। ये कौन बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी सरकार है, ये गुंडा राज सरकार है। अगर उनका तो कोई नहीं मरा है, मर रहा है तो वो, अगर उनको दर्द है उस टाइम तो उनको PSO नहीं छीनेंगे। जनाब देखना आगे आगे होता है क्या। ये बोल रहे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर को खुशहाली लाएंगे, क्या लाएंगे? 5 अगस्त 2019 जब 370-35 जम्मू कश्मीर के लोगों को ढाका डाला है, पहले सबसे पहले केजरीवाल साल में उसको साइन किया है, यही भरोसा करेंगे उसको जम्मू कश्मीर लोग तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो हवा है जनाब, ये हवा चलता है। आप देखना आगे आगे होता क्या। वो कह रहे हैं हम 90 की 90 सीटें जीतेंगे, देखेंगे ऊपर वाला क्या करेंगे। अब कांग्रेस की कैसी तैयारियां चल रही हैं इंतखाबात की? मैंने बताया जनाब, कांग्रेस जीत जाएगी, वो 90 से पार होगा। ऐसे तरीके से तैयारियां कैसी? इंशाल्लाह बहुत तैयारियां हैं, हम कर रहे हैं। लगता है कोई सीट निकाल पाएगी कांग्रेस? इंशाल्लाह, ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये सबसे पहले ऊपर वाले के हाथ में है, जिसको उसको बनाना है वो उसी को बनाएगी। सबसे फैसला हमने ऊपर वाले पे छोड़ा है, ऊपर वाला जो करेगा वो तो बड़ा है, वही नहत रहने वाला है, वही इस जुल्म से हटाएंगे, नजात दिलाएंगे ऊपर वाला। कश्मीर के युवाओं से ये मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे और अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जो बच्चे आज का ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ वो उसे दूर रह जाए। जब तक कश्मीर धरती पर शेर जिंदा है, तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। ना शेर डरेगा, ना शेर झुकेगा, ना शेर बिकेगा, ना शेर थकेगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया पीरज़ादा मोहम्मद शफी सईद साहब थे हमारे साथ, खुसूसी बातचीत की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंक्वायरर टुडे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।